टॉपिक ऑफ दिस लेसन विच इज पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं, कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या कैलकुलेशन होंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ पाई डायग्राम। सिमिलर टू सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अ सर्कल कैन बी पार्टिशन इनटू सेक्शंस टू शो प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। सच डायग्राम इज नोन एज पाई डायग्राम। अब हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या किया था, आपने एक ही बार डायग्राम बनाया, फिर आपने फूड, क्लोथिंग, रेंट, एक्सपेंस, इस तरीके से आपने डिविजन्स बनाए थे फैमिली के एक्सपेंडिचर को लेके। हमने परसेंटेज बार डायग्राम में भी वैसा ही कुछ किया था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो चीज़ आप बार डायग्राम में कर रहे हो वही सेम चीज़ आपको एक सर्कल में रिप्रेजेंट करनी है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पाई डायग्राम। दैट्स इट। द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू एज मैनी पार्ट्स एज देर आर कॉम्पोनेंट्स बाय ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस और सेंटर ये सब क्या होता है, वापस एक बार रिविजन करते हैं। ज्योमेट्री का, मैथ्स के कंसेप्ट हम सबको पता है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये आपका डायमीटर है, ठीक है, आपका रेडियस यहाँ पे होता है। इस हाफ वाले को पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोला जा रहा है, आपका जो सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे सर्कमफेरेंस तक, ठीक है। आप अलग अलग क्या करोगे, डिविजन्स बनाओगे, डिपेंड करता है कि कितने कंपोनेंट्स आपके पास हैं। अगर आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट्स है तो 6 डिविजन बनेंगे। अगर आपके पास में 7 कंपोनेंट्स है तो 7 डिविजन्स बनेंगे। उस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे अपने सर्कल को। नाउ द साइज ऑफ द सेक्शन इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट पार्ट टू द होल। दैट मीन्स होल में से जितना पोर्शन आप उस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को दे रहे हो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। पाई डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं। पाई डायग्राम को एंगुलर सर्कल डायग्राम बोलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज स्टेप्स ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो समझा, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले पाई डायग्राम मतलब क्या करना, सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक कंपास चाहिए और आपको एक छोटी पेंसिल चाहिए, वो एग्जाम में लेकर चले जाना। अप्रोप्रिएट साइज का सर्कल होना चाहिए बिकॉज अंदर आपको वेरियस कॉम्पोनेंट्स भी दिखाने रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ में समझते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी आपको। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं फैमिली एस के। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, देखो पहले कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स इंटू परसेंटेज वैल्यूज टू द टोटल। दैट मीन्स हमने जैसे परसेंटेज बार डायग्राम में किया था, सारी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, उस तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, परसेंटेज में कन्वर्जन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सारे एक्सपेंडिचर और सारी वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। नाउ 12 + 10 = 22, 22 + 6 क्या हो जाएगा, 28, 28 + 8 हो जाएगा हमारा 36 एंड 36 + 4 हो जाएगा 40,000। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे तो 12,000/40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है, ठीक है, मैक्सिमम, तो आंसर मिल जाएगा 30%। सिमिलरली 10/40,000 × 40,000 × 100 तो 25%, 6,000/40,000 × 100 तो 15%। सिमिलरली यहाँ पे देखो 8,000 है तो 20% आंसर आ रहा है और लास्ट में 4,000 है तो 10% आंसर आ रहा है। परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, द परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज इन द सर्कल। सिंस वन सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री एंड द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ आइटम आर equal to 300, therefore 1% value is represented by 360 degree divided by 100। That means क्या बोला जा रहा है, आपने यहाँ पे जिन values को percentage में convert किया है उसको आपको circle में represent करना है। अब क्या होता है, एक circle में 360 degrees ही आप measure कर सकते हो। That means अब हम percentage को angles में convert करेंगे और angles में convert करने के लिए हमें क्या करना है, 360 × 30/100। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, 360 आपने लिखा, ठीक है, टोटल, देन आपके पास में 30% है अपॉन 100। हम क्या करेंगे, 0, 0, 0 सारे कट कर दिए आपने, 36 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आपके पास में आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास में एंगल का मेजरमेंट आ गया, तो अब आपके लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो जाएगा एंगल को।
वैसे ही आप क्या करोगे, 25% को भी अगेन एंगल में कन्वर्ट करोगे, 15% को भी एंगल में कन्वर्ट करोगे, 20% और 10% को भी एंगल्स में कन्वर्ट करते जाओगे। एंगल्स में कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा, सर्कल आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसके अंदर एंगल्स बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, टेक अ रेडियस प्रेफरेबली हॉरिजॉन्टल बेस एज बेसलाइन टू ड्रॉ द एंगल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अब इसको भी हम स्टेप वाइज समझते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला है, सर्कल ड्रॉ किया था हमने, याद है सर्कल ड्रॉ किया था फर्स्ट स्टेप में, हमें रेडियस लेना है। प्रेफरेबली क्या बोला जा रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल रेडियस लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब क्या करना है, सबसे पहला जो एंगल आया था वो था 108 डिग्री, तो प्रोटेक्टर रखेंगे, उसको मार्क करेंगे और लेट्स से आपका 108 डिग्री यहाँ पे मार्किंग आ जाती है। तो ये आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट बन गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द न्यू लाइन विल बिकम द बेस फॉर द सेकेंड कॉम्पोनेंट। दैट मीन्स अब ये जो आपने बनाई है ना लाइन यहाँ पे, जहाँ पे आपने एंगल मार्क किया है, अब इसको बेस लाइन कंसिडर करोगे। पहले ये बेस लाइन थी, अब ये बेस लाइन हो गई है। दैट मीन्स प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे एंड देन यू विल कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल। अनदर एंगल वॉज 90 डिग्री, सो लेट्स से आप इसको बेस लाइन मानते हो और यहाँ से कंस्ट्रक्ट करते हो और 90 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगेन दिस विल बिकम द बेस लाइन फॉर थर्ड एंगल, अगेन यू विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल, देन दिस विल बिकम द बेस लाइन फॉर नेक्स्ट एंगल, एंड सिमिलरली आपके सारे यहाँ पे जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स है वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हो एंगल्स को बनाते हुए। नाउ लास्ट स्टेप क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द वेरियस कॉम्पोनेंट्स बाय डिफरेंट डिजाइंस कलर्स फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स हमने क्या किया, पहले परसेंटेज में वैल्यू निकाली, फिर एंगल्स निकाले और लास्ट में हम उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करते जाएंगे और बाद में उसमें कलर फिल कर दोगे। कलर फिल करने का परसेंटेज भी मेंशन कर देना है। सबसे पहला क्या है, ब्लू है, तो ब्लू रिप्रेजेंट्स व्हाट, फूड, 30% है और 108 डिग्री एंगल था, तो एंगल को कंस्ट्रक्ट किया, कलर किया, परसेंटेज मेंशन कर दो। उसके बाद क्या करोगे, क्लोदिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर, तो सबसे पहले क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल मेजर करोगे यहाँ पे, उसके बाद में उसमें कलर फिल करोगे और परसेंटेज क्या था, 25% था यहाँ पे, तो वो वहाँ पे मेंशन कर देना है। सिमिलरली हाउस रेंट, मिसलेनियस और सेविंग्स के लिए भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। हाउस रेंट येलो कलर से डिनोट होगा, मिसलेनियस के लिए ऑरेंज, एंड देन फॉर सेविंग्स यू विल बी टेकिंग रेड कलर। सो दिस इज हाउ अ पाई डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ तक हमने बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम सब देख लिए, दैट मीन्स हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लेसन के एंड पे आ गए। सबसे पहली स्लाइड क्या थी, एडवांटेजेस, तो लास्ट स्लाइड पे क्या है, लिमिटेशंस है हमारे इस लेसन के, कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिमिटेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी यूज ओनली फॉर कंपेरेटिव स्टडीज, दैट मीन्स यहाँ पे आप कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं ना, आगे जाके हम निकालने वाले हम कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स होंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, एक पॉइंट के बाद में एक ग्राफ में बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं की जा सकती है। एंड माइन्यूट डिफरेंस प्रेजेंटेशन इज इम्पॉसिबल। ऑफकोर्स 30, 31, 32, 33 इतने माइन्यूट डिफरेंस को हम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ग्राफ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट लेसन।